गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच का फर्क तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ना सिर्फ इन दो अलग अलग दिनों की महत्ता भिन्न है, बल्कि इन दोनों दिनों झंडा फहराने के तरीकों में भी बदलाव किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन दोनों दिवसों के बीच के अंतर के बारे में। पहला अंतर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही किया था, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे झंडा फहराना कहा जाता है। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी, जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। चौथा अंतर, पूरे भारत में गणतंत्र दिवस ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के मुकाबले स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कुछ नहीं होता। पांचवा अंतर, गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ नहीं होता। छठा अंतर, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा नहीं होता है। सातवां अंतर, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।